चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। तो क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग MCO 021 इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं और आज का जो क्लास का टॉपिक है वो ब्लॉक नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हर एक तरह की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुँचते रहें। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास और आज की क्लास में हम लोग ब्लॉक नंबर 2 रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ तो डेफिनेट आपको क्लास में बहुत मज़ा आएगा और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे जिसमें डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। और देखो, बेसिकली जो भी बैकग्राउंड हमारा बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है ना। डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, इस तरह के टॉपिक वो बार बार रिपीटेडली करके आते हैं जब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो बीकॉम फाइनल ईयर में अभी रिसेंटली ही किया है, मतलब जिन बच्चों ने इग्नू यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की होगी तो उनके लिए एमकॉम का ये सब्जेक्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो इस सब्जेक्ट को इजीली टैकल कर सकता है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को दोबारा से हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप देख लीजिए, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिटर्मिनेंट आते हैं कि डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या हैं। फिर इन्हीं डिटर्मिनेंट को बेस बना करके सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, जैसे इनकम कैसे डिमांड का डिटर्मिनेंट है, जैसे पूछ लेंगे आपसे कि प्राइस किस तरह से डिमांड का डिटर्मिनेंट है, राइट। तो ऐसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरह से डिमांड का डिटर्मिनेंट है, ये ऐसे करके आपसे सेपरेटली क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अगर पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन डिटरमिनेंट पर आता है तब भी, और अगर शॉर्ट नोट में आता है तब भी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ओवरऑल क्या है। तो व्हाट इज़ डिमांड, तो डिमांड का मतलब होता है कि हम जब भी एक कंज्यूमर विलिंग टू बाय होता है, यानी उसकी एक इच्छा शक्ति है कि वो कोई चीज़ बाय करना चाह रहा है और एबल टू परचेज, राइट, उसको एक अलग अलग प्राइस पर परचेज करने को तैयार है, राइट। बट उसमें से वो कितना परचेज करेगा वो एक बाद का डिसीजन है। डिमांड सिर्फ ये बताती है कि कंज्यूमर आर विलिंग, दे आर विलिंग टू बाय, है ना, दे आर विलिंग टू बी कि उन्हें परचेज करना है प्राइस, कोई भी पर्टिकुलर प्राइस है और उस प्राइस पर वो परचेज करना चाह रहे हैं तो वो डिमांड करेंगे। लेकिन जब वो एक्चुअली में एबल है, यानी उसको एक्चुअली में क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं या डिमांड करते हैं, परचेज कर लेते हैं, तब उस चीज़ को क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया कि डिमांड में होता है कि डायरेक्टली हम सिर्फ अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं टू बी बाय समथिंग, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कंज्यूमर जो है एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है जी, डिमांड इफेक्टिव तभी होती है जब कंज्यूमर जो है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, राइट, उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली परचेज कर लेता है तब ही डिमांड इफेक्टिव है, अदरवाइज डिमांड इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो परचेज जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही होनी चाहिए है, जो डिफाइंड टाइम है कि भई ये हमारा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है और उसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंजम्पशन जो है वो कम्प्लीट होनी चाहिए, तभी हम डिमांड को क्या कहते हैं, अफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर जो है वो जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसेस, उसकी डिमांड, राइट, उसकी क्वांटिटी, उसका पैकिंग, राइट, ये सारी चीज़ें वो देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलरली उसे प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ये चीज़ उसके दिमाग में फिर फिट बैठ जाएगी। तो एक बार वो सेटिस्फाई हो गया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिमांड को इनक्रीज़ करेगा। ठीक है जी, देर आर आल्सो लिमिटेशन फॉर द अमाउंट ऑफ मनी,
मीन्स उसके पास जो पर्टिकुलर परचेजिंग पावर है या उसके पास जो पैसा है वो भी एक फैक्टर रहेगा जब वो पर्टिकुलर डिमांड करेगा, बिकॉज इनकम के बगैर तो कोई भी डिमांड नहीं हो सकती। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इनकम के बगैर तो डिमांड हो ही नहीं सकती है। तो एक स्कूल टीचर भी अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा तो पैसा वो भी लगाएगा अपने बिजनेस के अंदर, इन्वॉल्वमेंट तो वो भी रखेगा। तो डेफिनेटली हम जब प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये आता है विलिंगनेस, हम उसको बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डिमांड के अंदर कुछ वेरिएबल्स आएंगे, डिमांड के कुछ फंक्शंस आएंगे जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिटरमाइन करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी होने वाली है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, है ना। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिमांड को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। डिमांड फंक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपके डिमांड फंक्शंस हैं, एफ में पी ओ पी सी पी एस वाई डी टी ए सी आर। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल आते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल आएंगे जिसमें हमारे पास पी ओ यानी कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो। ठीक है जी, पी एस का मतलब होता है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि सब्सिट्यूट क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। वाई डी का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। टी का मतलब होगा आपका टेस्ट। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो आपका आएगा। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम है। टी से आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है यानी एक इंडिविजुअल किस बेसिस पर जो है प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसका डिमांड, राइट। इंडिविजुअल उसका बेस क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद ए है आपका एडवर्टाइजमेंट, राइट। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देख करके हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क बनता है कि हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में होती है। तो डिमांड को ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट भी अफेक्ट करती है। इसको हम ए वेरिएबल से जो है वो दिखा रहे होते हैं। ए का मतलब है एक्सपेक्टेशन, मीन्स एक कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं प्रोडक्ट को लेकर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो मार्केट से या फर्म से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इतना उसको मार्जिन जो है वो मिलना चाहिए अगर वो ये प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, उसको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, डिटेल में भी आएंगे आपके। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, मीन्स हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं, मीन्स कितने जो कस्टमर हैं वो एक्चुअली में बाय करना चाह रहे हैं, उनके पास पर्टिकुलरली परचेजिंग पावर है और एट द टाइम ऑफ डील वो परचेज करने को तैयार भी हैं। ठीक है, तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं। ओ का मतलब होता है अदर फैक्टर, यानी इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपके अदर फैक्टर्स में आ जाती हैं। आई होप डिमांड के जो फैक्टर हैं वो क्लियर हुए होंगे सबको। ठीक है, इन्हीं को आगे जो है वो डिटेल में भी आते हैं। देन आपका लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बेसिकली सबको पता है कि यहाँ पे प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है, राइट। प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है कि प्राइस हमारा बढ़ेगा तो उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्लाइन होगी। अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड उसके मुकाबले बढ़ेगी। ठीक है, अपोजिट रिलेशन होता है। और जो डिमांड के फैक्टर्स हैं उन सबको कॉन्स्टेंट मानकर हम ये कंडीशन रखते हैं कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है और बाकी जो फैक्टर हैं वो सभी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। समझ आया। इट स्टेट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज मोर यूनिट ऑफ ए गुड्स और सर्विस एट अ लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। ठीक है जी, अदर थिंग्स आर बींग इक्वल, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपके क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशंस आती हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड का कर्व है बच्चे। यहाँ से आप प्राइस दिखा रहे हैं और इस तरफ में क्वांटिटी दिखाएंगे। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ पे P1 से P2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है और क्वांटिटी Q1 से Q2 की तरफ आ रही है। क्लियर है।
समझ आ रही हैं चीज़ें? तो यहाँ पे प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, और डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो स्लोपिंग दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्मली डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड में ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप कि क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही हैं चीज़ें? एक बार कॉमेंट्स में मुझे बता दो कि हाँ सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिमांड को हम इस तरह से एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 100 माइनस 0.25 क्यू, ठीक है। ये आपके एक इक्वेशन भी है, अगर आप इक्वेशन से भी करना चाहो तो डेफिनेटली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। याद रखने के लिए सिर्फ, ठीक है, आप अगर लर्न करना चाहो तो रख सकते हो, कोई डेफिनेट नहीं है कि भाई ज़रूर ही करनी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है टॉपिक? जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट, क्लियर हुआ टॉपिक? तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दे फिर इसके बाद आपका डिमांड शेड्यूल आएगा, एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ जो है वो क्वांटिटी है, वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। प्राइस आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास मार्केट डिमांड का कर्व आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? मार्केट डिमांड कर्व आएगा, जिसमें हम टोटल क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास होंगे और उन कस्टमर्स को जो है वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर है, ये सेकेंड है, और इसके हिसाब से टोटल मार्केट डिमांड है, क्लियर है। आपने फर्स्ट में ये प्राइस रखा है और ये क्वांटिटी रखी है, तो डिमांड इस तरह से हुई। सेकेंड कंज्यूमर के केस में डिमांड का और प्राइस का केस दिखाया हुआ है, फिर मार्केट डिमांड कैसे बनती है इन दोनों को जोड़ करके, क्लियर है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 और 8 जो है वो 13 हो गया। तो टोटल क्वांटिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी इन दोनों को जोड़ करके। हाँ बच्चे, ये क्लास भी अभी होएगी, पहले एक बार ये क्लास करवा दूँ मैं, उसके बाद आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास भी है, डोंट वरी, ठीक है। एक बार ये क्लास हो जाए उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आएंगे, डोंट वरी, अभी तो पूरी रात बाकी है, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड एंड कंज्यूमर थर्ड, इन तीनों की आपके पास जो है वो प्रॉपरली इक्वेशन दी हुई है, आप इसको लर्न भी रख सकते हो या ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन के लिए भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे हम तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्लियर जी। और ये आपका मार्केट डिमांड का शेड्यूल है, ये क्वांटिटी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फिर इनको टोटल क्वांटिटी से जोड़ा गया है। क्वांटिटी एम का मतलब क्या हो गया? क्या वो एम का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी, Q1, Q2 और Q3 तीनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपके टोटल जो है वो क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड। ये क्लास एमकॉम की है, पता है ना सबको, एमकॉम की क्लास है ये वाली। चलिए, आई होप लॉ ऑफ डिमांड तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डिमांड के डिटरमिनेंट्स पे आ जाते हैं दोबारा से। ये देखो, डिमांड इंक्रीज का केस है और ये आपका डिमांड डिक्रीज का केस है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट मान रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। और इसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड का केस है कि प्राइस हम कांस्टेंट मान रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड को कम कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो डिमांड कर्व D1 से D2 की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ पे D1 से D2 की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज का केस है, पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, इसके बाद है प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिमांड का डिटरमिनेंट होता है, तो डेफिनेट होता है, इसके बारे में हमने बात की है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है जल्दी से कमेंट्स में बताओ, कैसा रिलेशन है प्राइस का क्वांटिटी डिमांड से, और कौन से लो से हमें ये बात पता लगी है, बताएगा कोई? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, तभी तो मजा आता है क्लास में।
इनकम इनकम जो है वो डिटरमिनेंट है डिमांड का। तो नॉर्मल सी केस है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप डिमांड करेंगे। इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती है। क्लियर, समझ आया? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी हम कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं और कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी आपका फैक्टर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर, क्या आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है कि लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। आपकी लाइकनेस क्या दिखाती है? कि यू आर डिमांडिंग समथिंग, और अगर आप डिसलाइक करते हो तो वो आपका डिमांड को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ऑटोमेटिकली डिमांड को ये क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। समझ आ रही है बातें? और ये आपका सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का केस है कि जब आप सब्सिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड किसकी होगी? दूसरे प्रोडक्ट की। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक का प्राइस हमारा कम हो जाता है तो डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की होती है, जब हम सब्सिट्यूट का केस देखते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है कि दोनों ही प्रोडक्ट हमें एक साथ लेने होते हैं, तो प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ कैसा रिलेशन हो जाता है? नॉर्मल रिलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी हैव ऑन डिमांड फॉर कॉफ़ी, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर टी का प्राइस बढ़ा तो उसकी वजह से डिमांड किसकी होएगी? कॉफ़ी की। तो ये सब्सिट्यूट के केस में होएगा। समझ आ रहा है? जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है। क्लियर, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी प्राइस को क्या कर रही है? डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो चैप्टर क्लियर हुआ भाई? डिमांड का समझ आया? ये चैप्टर क्लियर है? कमेंट्स नहीं करते भाई, क्या बात है? कमेंट्स क्या करो? आई थिंक सारे बीकॉम वाले बच्चे हैं इसमें, एमकॉम की क्लास है ये। चलो, डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है? व्हाट इज़ डिमांड इलास्टिसिटी? तो देखो, इलास्टिसिटी का पहले मीनिंग समझो। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्या होता है मीनिंग? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, वो हमारा क्या होता है? क्या फैक्टर है वो आपका? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इलास्टिसिटी, कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वो हमारा इलास्टिसिटी है। वो हमारी क्या है? इलास्टिसिटी है, याद रखिएगा। हाँ, आपका तो मुझे पता है। ठीक है, तो ये आपका इलास्टिसिटी है। देखिए फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन वाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एक्स। क्लियर है? ये आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है। क्या ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? हाँ, आप तो एम कॉम में हो, बाकी आज बी कॉम की क्लास होनी थी ना, इसीलिए। ओके, देखिए भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने याद रखना है ये रिलेशन, कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो हम डिमांड को इलास्टिक बोलेंगे, लेसर वन है तो इन इलास्टिक बोलेंगे, और इक्वल वन है तो यूनिटरी इलास्टिक बोल देते हैं। समझ आ रही है बातें? ठीक है, अच्छा। इसके बाद आर्क प्राइस इलास्टिसिटी है, ये हाइपोथेटिकल प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? दो अलग अलग प्राइस के ऊपर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। वी वुड कैलकुलेट द आर्क प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू लोवेस्ट प्राइस बिटवीन 30 एंड 10। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी का अभी फॉर्मूला भी आया था, पीछे आया था ना, ये रहा, ये आपका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय एवरेज वाई और चेंज इन एक्स डिवाइड बाय एवरेज एक्स। क्लियर, तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है, कर लेंगे।
नेक्स्ट आपका पॉइंट इलास्टिसिटी है, जिसमें हमें इस इक्वेशन के हिसाब से करना है, ठीक है। और इक्वेशन में आपको ध्यान देना है सिर्फ कि डिमांड जो है वो ग्रेटर वन है तो वो आपका इलास्टिक है, वही सेम चीज़ें हैं इसमें भी, क्लियर है। या फिर आप इसका एक ग्राफ बना सकते हो ऐसे बड़ा, पता है ना वो ग्राफ आपका, कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर वन है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू जीरो है, ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी को बताएगा, यहाँ पे आपका ग्रेटर वन है, यहाँ पे लेसर वन है, ये पॉइंट मेथड वाला डायग्राम आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी बीकॉम की भी हैं, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है कि जो दिया हुआ है वही करना है, आप इसमें बीकॉम वाली चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्लियर, समझ आ रही है बात। चलिए अच्छा, उसके बाद ना डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी का और रेवेन्यू का रिलेशन है। देखिए प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दे रखी है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट, तो प्राइस और आउटपुट की प्रोडक्ट है तो टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय आउटपुट, क्लियर है, टोटल को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, टोटल को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। और पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी का ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसको कर लीजिएगा, ये आपका आर की इलास्टिसिटी है, ठीक है। और अगर इसका डायग्राम देखना है तो ये डायग्राम है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, और ये आपके रेवेन्यू कर्व है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। कौन कौन सा है, एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है। रेवेन्यू के कर्व तो सेम है ना, जो आपने बीकॉम में भी कर रखे हैं, अलग तो नहीं है कुछ। देखो ये रिलेशन याद रखिएगा इलास्टिक डिमांड का, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल रेवेन्यू कम होएगा, ठीक है। अगर इन इलास्टिक डिमांड का केस है तो प्राइस कम होने पर टोटल रेवेन्यू भी कम होएगा, और प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन दी हुई हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो आपके क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए, बाकी कोई ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको करना ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद आपका डिटरमिनेंट आएंगे इलास्टिसिटी के, तो इसके अंदर आपका सब्सिट्यूट आ जाता है, ठीक है। सब्सिट्यूट का मीनिंग समझ आता है आपको कि एक प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है, उस चीज़ को डिफाइन करेगा। हाँ जी बिल्कुल, क्लास होएगी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे ही ये क्लास ख़त्म होती है तुरंत ही आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास है, डोंट वरी, ठीक है। वो मेरी हैंडेक है करवाने की, चिंता मत करो। सब्सिट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट परचेज करा और उसके बदले में दूसरा, डिमांड किसी और की हो गई, है ना, प्राइस किसी का बढ़ा और डिमांड किसी दूसरे की, ऐसा होता है ना, तो वो चीज़। हाँ जी आई नो, चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद प्रपोर्शन ऑफ इनकम, यानी कितना परसेंटेज आप इनकम का स्पेंड करते हो, वो भी आपका इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा है उतना ही ज़्यादा इन इलास्टिक डिमांड होती है, और अगर पैसा कम है तो उससे इलास्टिक डिमांड होती है, क्लियर है, समझ आ रही है चीज़ें। तो ये आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, आप कर लीजिएगा। एक आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है, जैसे सब्सिट्यूट होता है ना, कि एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड पर अफेक्ट होगा, तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, दिस इज़ योर फॉर्मूला, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की वजह से दूसरे प्रोडक्ट पे क्या अफेक्ट हुआ, जैसे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस ऑफ बी और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर जीरो है तो हम गुड्स को सब्सिट्यूट बोलेंगे, और अगर लेसर जीरो है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और अगर इक्वल टू जीरो है तो उसे हम इंडिपेंडेंट गुड्स बोलेंगे। ये रिलेशन आपने लिखने हैं अभी, तभी क्वेश्चन में मार्क्स आएंगे। और आपका एडवर्टाइजमेंट है बच्चे, एडवर्टाइजमेंट का भी सेम यही चीज़ है कि वो आपका डिमांड को अफेक्ट करता है, पता है ना इसका रिलेशन,
तो वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा, याद रखिएगा। समझ आया भाई? क्या यहाँ तक दोनों यूनिट क्लियर हो गई? एमकॉम प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? हाँ चलिए, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 फोरकास्टिंग का है कि डिमांड को फोरकास्ट कैसे करेंगे, उसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आप रिग्रेशन इक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन, डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, बैरोमेट्रिक फोरकास्टिंग और रिग्रेशन मॉडल, ये आपके आएंगे। रिग्रेशन इक्वेशन आपने वही लिखनी है जो आपको सिखाई गई है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली, पता है ना सबको, वही चीज़ें इसमें आप ऐड करनी है। तो ये देखो, इसमें डिमांड को रिग्रेशन से दिखाया गया है कि एक तरफ आपको सिटी दी है, क्वांटिटी दी है और प्राइस दिया है, फिर आपने इनका डिफरेंस चेक किया और डिफरेंस चेक करके हमने इसका वैल्यू देखा है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है कि एस्टिमेशन है रिग्रेशन इक्वेशन का कि किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ये टेबल बनाएंगे और उसके बाद ये डायग्राम आएगा, क्लियर। एक तरफ हमारा वाई और वाई डैश का रिलेशन चलेगा और ये आपका इक्वेशन में ए और बी वेरिएबल चलते हैं, पता है ना, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, क्लियर है ये चीज़? तो इतना तो पता होगा सबको, डेफिनेट। चलिए रिग्रेशन के लिए ना आपने नॉर्मल जो है क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। अगर इससे क्वेश्चन आता है ना तो न्यूमेरिकल ही आएगा, और इसके लिए आपको सिर्फ ये जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं इनको कर लेना। ठीक है, अभी हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लास हो रही है, अभी वेट करो कुछ टाइम। ठीक है, तो आई होप कि इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। जो सिक्स्थ वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें न्यूमेरिकल पर ही फोकस करना। ठीक है सुष्मिता, ओके। तो दिस इज़ द आपका ऑल ओवर ब्लॉक नंबर सेकंड, ये आपका ब्लॉक नंबर सेकंड था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी हम क्लास को एंड कर रहे हैं, इसके बाद जो है एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास हमारी शुरू होगी। ठीक है, विद इन द 5 मिनट हम शुरू करेंगे, तो एक बार जल्दी से बता देंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो अभी मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, कुछ भी पूछना होगा तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे, एमकॉम का ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।